हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ, जिसके लिए मैं ये साड़ी ली हूँ। साड़ी का मैं लहंगा सिलूँगी, इसमें सूट भी सिलूँगी। और ये मैं अस्तर के लिए कपड़ा ली हूँ, अस्तर में 4 मीटर ली हूँ और ये साड़ी 5 मीटर का है। इसमें ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को मैं काट करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये मैं कली वाला लहंगा बना रही हूँ, तो कली वाला लहंगा ये बॉर्डर रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सूट की शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच पे, और आर्म होल में ले रही हूँ 7 इंच पे, और यहाँ पे मैं चेस्ट ले रही हूँ 8.5 इंच पे। ये मैं यहाँ पे हिप रख रही हूँ 8.5 इंच पे ही, और मैं सूट की लंबाई रख रही हूँ 40 इंच पे। यहाँ पे मैं मार्जिन रख रही हूँ 1 इंच पे, ज़्यादा नहीं ले रही। यहाँ पे मैं गला ले रही हूँ 2.5 इंच पे, यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पे ही लूँगी। और गले की लंबाई में ले रही हूँ 6.5 इंच पे, तो यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी और गले का गोलाई दे दूँगी इस तरह से। और मैं बाजू की कटिंग बता रही हूँ। बाजू की लंबाई में रख रही हूँ 14 इंच पे, गोलाई में रख रही हूँ 6 इंच पे, 6 इंच पे, मार्जिन में ले रही हूँ 2 इंच पे। और यहाँ से मैं बाजू की कटिंग कर दूँगी। ये सूट की स्टिचिंग मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा सिलाई। यहाँ से मैं काट के निकाल दूँगी। ये बाजू हमारा कट के तैयार हो गया। ये मैं लहंगा के लिए फोल्ड की हूँ, ये पूरा हमारा 6 फोल्ड में हुआ है, 6 बार फोल्ड करी हूँ। ये बेल्ट के लिए मैं निकाल रही हूँ, बेल्ट में 20 इंच पे निकाल रही हूँ। ये मैं बेल्ट की चौड़ाई ले रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, इसको बढ़ा लूँगी। यहाँ मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ, यहाँ से मैं काट करके निकाल दूँगी। ये बेल्ट के लिए काट लिया, ये बेल्ट 3.5 इंच पे है। और ये मैं जो किनारी निकाल के रखी थी वो मैं 2 इंच पे निकाली हूँ, जो ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मैं 2 इंच पे ये निकाली हूँ। ये 2 इंच पे है और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो अब हम लहंगे की लंबाई देख लेते हैं। यहाँ से मैं बेल्ट रख करके फिर लंबाई नापूँगी, तो ये मेरा लंबाई 39 इंच पे आ रहा है। 39 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी, इसको काट करके निकाल दूँगी। यहाँ से मैं कली के लिए मैं 5 इंच पे निशान लगाऊँगी इस साइड पे, और यहाँ भी मैं 5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अब हम यहाँ से तिरछा करके यहाँ से निशान लगा लेंगे, और इसको हम काट करके निकाल दूँगी। यहाँ से मैं सारा कली को मैं यहाँ से जोड़ दूँगी, जो पतला वाला है वो ऊपर कमर पे आएगा और जो चौड़ा वाला है वो नीचे आएगा। ये सारा कली को मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा कली को जोड़ दी हूँ। यहाँ पे सारा कली को जोड़ करके मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा ये नाप करके मैं यहाँ से बराबर कर लूँगी। यहाँ से इंची टेप बिछा करके आप जितनी लंबाई रखें उतना आप नाप करके यहाँ से बराबर कर लीजिए। यहाँ से मैं बराबर कर रही हूँ,
आप चाहे तो यहाँ पे पीको करके बना सकते हैं, या फिर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं ये बॉर्डर यहाँ पे लगाऊंगी, ये पूरा मैं सिलाई करके बॉर्डर लगा दूंगी। यहाँ से मैं ये अस्तर लगा रही हूँ, इसको भी कली कली काट करके मैं लगाई हूँ अस्तर में। इससे थोड़ा छोटा काटी हूँ, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लगा सकते हैं आपको जितना चाहिए। यहाँ से मैं यहाँ से पकड़ करके ये दोनों इसमें ज्वाइंट करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे, पूरा पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये पूरा सिलाई लगा दिया, यहाँ पे मोड़ करके बगल से भी मैं मोड़ करके सिलाई लगाई हूँ। अब यहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा जो निकाली थी यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे, और इसको ऐसे मोड़ करके ऐसे रख करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे गोल में। ये हमारा सिलाई लग चुका है, ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इस बॉर्डर को लगाऊंगी, यहाँ से स्टिच करेंगे, इस पे सिलाई लगा लेंगे, चारों तरफ से पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा सिलाई लग के पूरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरा बॉर्डर इस पे लगा दिया है, इस पे भी हम सिलाई लगा करके सिलाई बैठा लेंगे। ये पूरा हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से, जो सिलाई बैठ जाए। और लहंगा पे कोटी भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं। तो मैं इस पे सूट बनाई हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसका सिलाई देख सकते हैं। अब यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से ये यहाँ से पूरा बराबर करके, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ये पूरा बराबर करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे पूरा। और फिर अस्तर को भी यहाँ से सिल करके दोनों पकड़ करके सिलाई लगा, दोनों अलग अलग सिलेंगे ताकि हमारा कपड़ा सही हो। यहाँ से अस्तर को अलग सिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।